झारखंड विकास विभाग ने आज कुल 31 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वाहन सौंपे और साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई कि सभी पदाधिकारी सरकार के विकास योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, राज्य में विकास की गति बढ़ाने के लिए ये प्रयास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। कई प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में पुरानी गाड़ी रहने की वजह से अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का प्रसार सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे थे। गति देने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जो कमी था उसको दूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैंने अभी अभी जो बोल रहे थे कि हमारे आने के बाद हम जो देखे थे कि ब्लॉक है किसी इंटीरियर में, वीडियोस रहते हैं अनुमंडल में या जिला से जाना आना करते, तो मैंने पहले आकर जितना भी ब्लॉक बिल्डिंग रहने का जगह क्वार्टर्स नहीं था उसको बोले कि पहले उसको ठीक करो। जब तक लोकल ब्लॉक में वीडियो नहीं रहेंगे, उसके रहने की जगह नहीं रहेगा, तो काम में बाधित होगा। उसी तरह बहुत ब्लॉक से आ रहा था, गाड़ी घोड़ा नहीं है, खराब पड़ा हुआ बहुत पहले का, तो हमने बोले थे कि धीरे धीरे जो है वाहन भी लोग को दिया जाए ताकि मॉनिटरिंग करने के लिए सुविधा हो, विकास कार्य में तेजी आए। उस सिलसिले में 2020-21 में 18 वाहन दिए थे और इस बार हम लोग 31 वाहन दिए हैं। और मुझे विश्वास है कि इससे हमको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो कमी मैंने मॉनिटरिंग का हो रहा था उस दिशा में करना। वहीं मौके पर BDO नम्रता जोशी ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अंदरूनी इलाकों तक जाना पड़ता है, ऐसे में ये वाहन लाभदायक साबित होंगे। क्योंकि हम लोगों को बहुत इंटीरियर जाना पड़ता है, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे आवास सेंक्शन करना हो, या फिर इवन मनरेगा का भी कोई योजना होता है, निरीक्षण होता है, लोगों को सेंक्शन देना होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का बिना स्थल निरीक्षण करे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो स्थल निरीक्षण को लेकर के जो ये गाड़ी मिला हुआ है, गाड़ी तो बहुत तरीके का होता है, लेकिन कई बार हम लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में भी जाना रहता है, कई बार कीचड़ में भी जाना रहता है, तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है विभाग की तरफ से। मेरा थैंक्स बोलती हूँ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।